मैं हूं अनिल राजभर, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। जेल में बंद कैदियों के पास अक्सर मोबाइल मिलने की घटना सुनने को मिलती है। जेल पुलिस साठ गांठ या फिर पुलिस कर्मियों से छिप छिपा कर जेल में बंद कैदी मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते रहते हैं। ऐसा ही मामला बिहार गोपालगंज जेल से सामने आया है। यहाँ मादक पदार्थ तस्करी के आरोप में सजा काट रहे कैदी के पास से मोबाइल मिला है। सिपाही के डर से छुपाने के लिए जल्दबाजी में मोबाइल फोन ही निगल गया। फिर कुछ देर बाद उसकी तबीयत बिगड़ने लगा। इसके बाद अस्पताल में एक्सरे करने पर उसके पेट में मोबाइल फोन नजर आया। गोपालगंज मंडल कारा चनावे में चेकिंग के दौरान पुलिस पकड़े जाने के डर से एक कैदी छोटा मोबाइल निगल गया। जब उसके पेट में भयंकर दर्द होने लगा तो उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान एक्सरे में पता चला कि कैदी के पेट में मोबाइल है। मोबाइल निकलने वाले कैदी का नाम कौशर अली बताया जा रहा है, जो इंदारवा गांव निवासी है। 2020 से जेल में बंद है, नशीले पदार्थ के तस्करी के आरोप में गिरफ्तार हुआ था। सुनिए इलाज करने वाले डॉक्टर ने क्या जानकारी दी है, हम आपको सुनाते हैं। क्या नाम है? कौशर अली। कब से गोपालगंज जेल में बंद? 2020 में जनवरी से। किस मामले में? तो मोबाइल कैसे जेल के अंदर तो सिपाही जी देख लिए आए चेक करने तक तो हम फोनों में रह के बता दिए। रात में कैदी आए हैं, कैसर अली नाम उनका, तो वो आए हैं कि कुछ फॉरेन बॉडी कुछ वो इंजेस्ट कर रही है, तो एक्सरे में एक फॉरेन बॉडी दिख रहा है, तो उनको फर्दर इन्वेस्टिगेशन और मैनेजमेंट के लिए उनको हायर सेंटर भेजा जाएगा। अभी एक फॉरेन बॉडी दिख रहा है उनके। नहीं तो उसके लिए क्या माने हो सकता है मेडिकली? उसके लिए और जांच होगा, और जांच करने के बाद से फिर पता चलेगा कि वो कितना बड़ा है, क्या है, और उस हिसाब से उसका आगे फर्दर प्लानिंग।